नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 3 वर्सेस Xiaomi Redmi 10A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर 3 में 6.81 इंच जबकि Redmi 10A में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवर 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवर 3 में 3.09 इंच जबकि Redmi 10A में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवर 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवर 3 में 0.37 इंच जबकि Redmi 10A में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवर 3 में 230 ग्राम जबकि Redmi 10A में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवर 3 में 6.9 इंचेस जबकि Redmi 10A में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवर 3 में 1080x2460 और Redmi 10A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवर 3 में 83.43% जबकि Redmi 10A में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवर 3 में 389 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10A में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवर 3 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10A की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवर 3 में माली G52 MC2 जबकि Redmi 10A में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवर 3 में MediaTek Helio G88 और Redmi 10A में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो पोवर 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवर 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi 10A में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवर 3 में अप टू 512GB जबकि Redmi 10A में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी पोवर 3 में 7000mAh जबकि Redmi 10A में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवर 3 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,390 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवर 3 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10A की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोवर 3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोवर 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Oppo A16 K है, तीसरा Vivo Y2 1T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।